माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी 12 बज गए हैं, आज है फ्राइडे और 30 तारीख है आज। तो बहुत दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है, टाइम नहीं मिल रहा आजकल, थोड़ा मैं बिजी हूँ। बिजी तो मैं रोज ही रहती हूँ, खैर मेरा काम इतना हो जाता है, बस बिजी हूँ मैं। खैर पर ब्लॉग तो मुझे बनाने ही है आप लोगों के लिए, तो आज मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग अब स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि सुबह से पता है बहुत काम हो जाता है यार मेरा ना, झाड़ू पोछा सब मैं खुद ही करती हूँ, जैसे आप लोगों को पता है, आपने ब्लॉग में भी देखा है। पंखा चल रखा है ऊपर, आवाज आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को, लेकिन बिना पंखे का बैठा ही नहीं जा रहा, इतनी गर्मी हो रही है अभी भी। आजकल भी बहुत गर्मी हो रही है, तो सुबह मैंने सोचा पहले काम ही कर लेती हूँ फटाफट, फिर आप लोगों से बात करूंगी। और फिर मैंने, ये मेरी बेटी आ रखी है इधर साइड पे लेटी हुई है, तो बच्चे भी मना बोलते हैं वीडियो में आने के लिए, ज्यादा बोलते हैं पहले आप थोड़ा चैनल अपना ग्रो करो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी शुरुआत है। तो बोलते हैं मम्मी बाद में आएंगे हम आपके साथ वीडियो में, वैसे आते भी हैं बहुत सारी जगह पे, लेकिन आजकल बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं, बच्चे बहुत परेशान से रहते हैं, ज्यादा परेशान क्या करना है बच्चों को। तो चैनल तो मेरा ही है, ब्लॉग मेरे हैं, आप लोग मेरे साथ बात कीजिए, देखिए और मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो चलिए अभी मैं चाय पी लेती हूँ, चाय बनाई है मैंने, 12 बज गए हैं और काम सारा घर का कर लिया है मैंने। फिर बनाऊंगी मैं इसके लिए आज केक सूजी का, तो मैंने आटे वाला केक बनाया था बच्चों के लिए ना, तब ये यहाँ थी नहीं, तो आज मैं बना रही हूँ सूजी वाला केक। मैंने कहा चलो सूजी का केक बनाते हैं आज, आटे का तो पहले खा रखा है हमने, और फिर दिन का भी पता नहीं है दिन में क्या बनाएंगे। 3 टाइम हमारा खाना चलता रहता है, सुबह भी, दिन का, शाम का। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं, पहले पी लेती हूँ चाय, फिर आपसे मिलती हूँ किचन में, और केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। और आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आती हो तो गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके पैसे भी नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब करना फ्री है एकदम, ठीक है। तो लाल बटन होता है उसे टिक करके दबा दीजिएगा तो चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ केक की रेसिपी के साथ किचन में। तो गाइस चाय पानी हो गई है और मैंने चाय पी ली है, चलिए अब मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ केक। तो चलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये मैंने एक बर्तन रख दिया है गैस के ऊपर और गैस जला ली है मैंने, और ये डाल दिया है मैंने नमक। तो ये नमक जो है मेरा पहले वाला है, मैंने पहले भी केक बनाया था, तो ये नमक मैं एक डब्बे में रख देती हूँ बंद करके, मतलब ये काम आता है हमेशा, जब भी आपको केक बनाना हो ना तो आप यही वाला नमक यूज कर लीजिए, क्योंकि ये नमक फिर खाने में तो आता नहीं है और यूज नहीं होता है, तो केक बनाने के लिए हमेशा यही नमक यूज कीजिएगा। और तो मैंने रख लिया है एक स्टैंड, और ये स्टैंड के ऊपर जो है हम बाद में रखेंगे केक बनने के लिए। तो तब तक ये जब तक गर्म होता है, हीट बनती है इसके अंदर, हल्की आंच कर ली है मैंने, तब तक हम अपना पेस्ट तैयार करते हैं केक का। और तो चलिए केक की तैयारी करते हैं और पेस्ट बना लेते हैं। और इधर मैंने एक बड़ा कटोरा जो है ये मैदा रख लिया है, तो आज मैं बना रही हूँ ये देखिए। तो गाइस मैंने सोचा था कि मैं सूजी का केक बनाऊंगी, तो सूजी मेरे पास नहीं थी, और तो मैंने देखा तो सूजी बहुत कम थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सूजी थी इसमें और थोड़ा मैंने मैदा मिक्स कर लिया है। तो मैं देख आज सोचती हूँ कि चलो मिक्स करके बना लेती हूँ तो कैसा बनता है, अच्छा ही बनेगा। वैसे पिछली बार मैंने आटे का बनाया था तो बहुत ही अच्छा बना था। तो चलिए मैदा में हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है आधा आधा चम्मच डाल के मिक्स कर लिया है। और इधर मैं अब एक कटोरी में डाल दिया 1 चम्मच मक्खन, और ये मैंने चीनी पीस रखी है मिक्सी जार में, और आप बुरादा भी ला सकते हैं मार्केट से, और लेकिन मैंने चीनी पीस ली है मिक्सी में, तो उसका मैं ये पाउडर डाल रही हूँ, और मैंने इसका पाउडर बना लिया था चीनी का। तो कम से कम 5 या 6 चम्मच मैं चीनी ऐड कर दूँगी ये, और ये मक्खन के साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब डाल दूँगी मैं इसमें थोड़ा तेल, तेल मतलब रिफाइंड ऐसा होना चाहिए जो जिसमें ना बदबू ना आए, स्मेल सी ना आए, और तो इसलिए 2 चम्मच मैं ये भी ऐड कर रही हूँ इसमें। और ये मक्खन तेल आपके डालने से जो है काफ़ी बढ़िया बनता है, और रुई की तरह एकदम आपका केक बनेगा। तो चलिए मक्खन भी डाल दिया है, और हमने जो है तेल ऐड कर दिया है, रिफाइंड ऐड कर दिया है,
और अब मैंने ये एक बड़ा चम्मच देके दही ऐड कर दिया है इसमें, तो दही भी हम इसे मिक्स कर लेंगे ऐसे अच्छे से। तो हम इसको पेस्ट को बना लेंगे। इसमें एक चम्मच मक्खन है और डेढ़ चम्मच, दो चम्मच नहीं है, डेढ़ चम्मच इसमें जो है रिफाइंड है। और अच्छे से इसमें दही अगरह डाल के हमने मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसको जो है डाल देंगे इसमें, जिसमें मैंने मैदा घो रखा है ये। और चलिए अब इस बर्तन में डाल देंगे मैदे में। तो अब हम, मैं थोड़ा सा दूध ले रही हूँ, दूध भी ले लेते हैं इसमें। ऐड करेंगे अब हम दूध और अच्छे से मिक्स करना है, पेस्ट बनाना है हमको बढ़िया सा, ताकि आपका केक जो है बहुत बढ़िया बनेगा। तो ये देखिए गाइस, मैंने दूध ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो थोड़ा मुझे कम लग रहा है, चलिए थोड़ा दूध मैंने और ले लिया है कटोरी में। और तो मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक चम्मच करके पेस्ट बनाते रहूँगी। तो मैंने पेस्ट जो है अच्छे से बना लिया है और एक बर्तन में डाल दिया है मैंने ये तेल। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं ना थोड़ा फास्ट करके डाल रही हूँ। तो ब्रश से मैं इस बर्तन में जो है तेल अच्छे से लगा लूँगी। ये देखिए चारों तरफ मैंने जो है रिफाइंड अच्छे से लगा लिया है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मैदा, और तो मैदा हम अच्छे से इसमें लगा लेंगे चारों तरफ इस तरह से, ताकि हम केक रखेंगे इसमें जो पेस्ट है वो डालेंगे ना तो चिपकेगा नहीं बाद में, ठीक है। ये देखिए तो मैंने अच्छे से लगा लिया है, बाकी मैंने नीचे करके झाड़ लिया है इसको, ताकि इसमें एक्स्ट्रा मैदा जो है ना चिपके। और अब ये जो हमने पेस्ट बना रखा है, देखिए पेस्ट कितना अच्छा बना है, तो ये ऐड कर देते हैं। और इसमें मैंने वनीला एसेंस भी डाला है, वो पता नहीं दिखा ही नहीं शायद वीडियो में, फास्ट करने के चक्कर में वो दिखा नहीं। तो वनीला एसेंस भी डाला है मैंने थोड़ा सा, इसमें दो तीन बूंद डाला है। और तो पेस्ट रेडी हो चुका है हमारा, और अब ऐसे इसको बर्तन में इस तरह से रख दूंगी, गरम हो रहा है ये, और हल्की आंच कर रखिए। कम से कम 40 और 45 मिनट में आपका ये केक बनेगा, क्योंकि बहुत हल्की आंच करी है हमने, ढक्कन रख दिया है, तो बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। तो देखिए गाइस, कम से कम 30-35 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसे चाकू डाल के चेक करूँगी। देखिए इस तरह से चाकू डाल के आप चेक कर सकते हैं, तो हल्का सा जो है चाकू पे देखिए लग रखा है, ज़्यादा नहीं लगा है, हल्का सा। तो 2-3 मिनट और, ज़्यादा नहीं, मैं इसे और पकने दूंगी और फिर हमारा केक जो है बन जाएगा। तो गाइस 2-3 मिनट हो चुके हैं, चलिए दोबारा से हम इसे चेक कर लेते हैं चाकू डाल के, और देखती हूँ बना है नहीं बना है। और आपको दिख ही रहा है वैसे बन चुका है, कितना फूल गया है जो है हमारा केक है। ये देखिए चाकू एकदम साफ निकला है, बढ़िया सा, बिल्कुल भी इस पर कुछ लगा नहीं है। तो केक जो है हमारा बन चुका है, ये देखिए केक अच्छे से बन चुका है, कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, और फूल के देखिए, फूल के कितना अच्छा सा बन गया है केक। तो गैस अब मैं बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर इसे ठंडा होने देती हूँ, फिर मैं इसे बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए कम से कम 4-5 मिनट हो चुके हैं, तो अभी भी थोड़ा गर्म है, और मैं अब इसे बाहर निकाल दूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया सा हो रखा है, स्पॉन्जी एकदम रुई की तरह बहुत ही बढ़िया हो रखा है। अब मैं ऐसे बर्तन को एक पकड़ के कपड़े से निकालती हूँ, क्योंकि गर्म है ना ये, बाहर निकालने में थोड़ा। ये देखिए नमक आपका जो ये बच रखा है, ये फेंकना नहीं है, ये स्टैंड अगर निकाल के और नमक आप संभाल के फिर बाद में कभी फिर यूज कर सकते हैं केक बनाने के लिए। और केक हमारा जो है बहुत ही बढ़िया बना है, हाथ लगाने से ही पता चल रखा था मुझे कि केक ना बहुत बढ़िया बना है। तो चलिए देखिए मेरी बेटी आ गई है, कह रही है फटाफट निकालो और मुझे दिखाओ। वैसे कम से कम आधा घंटा जो है, आधा घंटा लेना ही चाहिए आपको, आधे घंटे के बाद खाना चाहिए केक ना, काटना चाहिए, तब तक वो अच्छे से सेट हो जाता है। लेकिन चलो अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए पूरा अच्छे से निकल गया है, बिल्कुल भी मेरा केक जो है टूटा नहीं है। ये देखिए वाह कितना सुंदर बना है केक, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए बहुत अच्छा बना है। तो मेरी बेटी कह रही है मैं फ़ोटो खींचती हूँ मम्मी, बहुत सुंदर लग रहा है।
तो चलिए, क्रीम नहीं है, आप क्रीम भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा चोको सिरप है, मैं सोच रही हूँ वो इसके ऊपर डाल के ना, और ये ख़त्म भी हो चुका है मेरा चोको सिरप, कम है बहुत, तो हल्का हल्का सा इसे डाल देते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा सजा देती हूँ, ज़्यादा नहीं, ताकि इसमें चॉकलेट का तो थोड़ा सा जो है फ्लेवर आएगा। इस तरह से देखिए मेरा चोको सिरप भी ख़त्म हो चुका है। आप क्रीम भी ला सकते हैं, मार्केट में भी क्रीम मिलती है, और घर पे भी बना सकते हैं आप क्रीम, घर पे भी बन जाती है क्रीम, इसके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें ये पसंद है, हम ऐसे ही खाएंगे, और मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया आज ये खासकर। ये देखिए मैंने चोको सिरप अच्छे से इस पर लगा लिया था, और तो अभी ये गर्म ही है, मैं इसे काट के एक पीस आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया सा बना है, और एकदम रुई की तरह ना, और ऐसे दबाने में ऐसे फूल के फिर ऊपर आ जा रहा है, बहुत ही बड़ा बढ़िया सा बन रखा है स्पॉन्जी सा। देखिए ये देखिए, एक पीस आपको काट के दिखाती हूँ, कितना बढ़िया स्पॉन्जी बन रखा है ये देखिए। तो चलिए गाइस, आप लोग भी खा लीजिएगा केक हमारे साथ, हम भी खा लेते हैं, थोड़ा सा मैं दे देती हूँ बच्चों को, बाकी फ्रिज में रख देती हूँ, बाद में खा लेंगे। हेलो बब्बी, इधर देखो। ये देखिए मेरी बेटी है, कैसा लगा केक? बहुत बढ़िया हो रहा था। चलिए बॉबी, चल आज ब्लॉग की एंडिंग कर दे, ठीक है? बाय। चैनल को लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और शेयर जरूर करे। चलिए बाय बाय। मेरा प्यारा सा बेटा है ये, बहुत प्यारी बेटी है मेरी। चलो मम्मी का चैनल बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना? बाय बाय बोल दे।